हेलो एवरीवन, प्रॉफिट पैशन में आपका स्वागत है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास जो है दो चॉइस होती है, ठीक है। एक पहली हमारे पास ये कि हम डेली का टारगेट सेट करें लॉस और प्रॉफिट का और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले। दूसरी ये कि हम जो है मंथ में एक बार, दो बार या वीक में एक बार ट्रेडिंग करें, एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा करें और देन उसके बाद ट्रेडिंग करें, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं जो लेने वाली हूँ, 18,000 की ट्रेड लेने वाली हूँ। आप मेरा बैलेंस 4,41,000 का देख सकते हैं। ये मैंने 20,000 से ग्रो किया है और ये मैं नवम्बर से कर रही हूँ। नवंबर के एंड में मैंने जो है विड्रॉल लगा लिया था। अब ये जो बैलेंस है ये दिसंबर का है, दिसंबर में मैंने डिपॉजिट करवाया था। अगर आप मेरे ग्रुप में आएंगे, पब्लिक ग्रुप में, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी ये सारी चीज़ें कि कब मैंने विड्रॉल लगाया है, कब मैंने स्टार्ट किया है, मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम एक रिवर्सल हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक रिवर्सल है ये वाला, ठीक है, और मार्केट वहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ से हम दूसरा एक और असेट देख लेते हैं, जहाँ पे क्रिप्टो आईडीएक्स मोस्टली वॉलेटाइल होता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप डेली के टारगेट सेट कर सकते हैं और डेली के अकॉर्डिंग लॉस प्रॉफिट अपना टारगेट सेट करके निकाल सकते हैं मार्केट से। यूरो यूएसडी या बाकी और असेट जो है इतना वॉलेटाइल नहीं है। तो यहाँ पे हम वीक में एक बार बैठ के जब हमें लगता है कि मार्केट ठीक है, हम अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट करके उस पर रिस्क ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से जो है अब के लिए मार्केट यहाँ से है कि मार्केट रिवर्स होगा, डेफिनेटली होगा कि उसके नेक्स्ट लेवल तक, यहाँ तक रिवर्स होगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से रिवर्स होके। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, आप देखिए ये रहा, हाँ, जो इसका रिवर्सल पॉइंट है। आपको लग रहा होगा कि मार्केट डाउन जाएगा, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अप जाके डाउन जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है ट्रेड अपनी प्लेस कर देते हैं। ये सबसे बेटर ऑप्शन रहता है कि आप मंथ में एक बार या वीक में एक बार अच्छी अमाउंट की ट्रेड ले ले। हम दूसरा और मार्केट चेक कर लेते हैं। ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड का मार्केट है, थोड़ा सा बीच बीच में वॉलेटाइल भी है। ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक रिवर्सल है, बट यूरो यूएसडी का रिवर्सल मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न है डाउन के लिए और एक रिवर्सल पॉइंट बन रहा है अप के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज ज़्यादा करना पड़ता है और हमारे पास इतने टूल्स नहीं मिलते मोबाइल में। तो मोबाइल में हम जितना अच्छे से एनालाइज कर पाए, जिस मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाए, उसी पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, उसी पे रिस्क लेना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए। इसके लिए जो ट्रेडिंग के लिए जो एज है वो 18+ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। तो यहाँ से हमने जो है ट्रेड प्लेस कर दी है अब के लिए। अब आप देखना, मैंने ये बड़ी अमाउंट की ट्रेड ली है। तो आप छोटी छोटी अमाउंट की ट्रेड लेने से बेटर है कि एक बार ही अच्छे से रिवर्सल मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके अच्छा अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट करें। ऐसा है कि अगर आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, 18,000 मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास 18,000 बैकअप के लिए भी होना चाहिए। अगर मेरे पास बैकअप के लिए उतना अमाउंट नहीं है तो मैं उतना नहीं इन्वेस्ट करूँगी, मैं उससे कम इन्वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, बैकअप के लिए हमेशा ट्रेडिंग में, आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, बैकअप के लिए हमेशा अपने पास रखें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसी टाइम वहाँ पे रिकवर कर सको, आप कल पे ना टालो। अगर मार्केट आपको अच्छा लग रहा है, रिवर्सल मान लीजिए एक पॉइंट से, एक सेकंड से, अगर ये लॉस हो जाती है तो मेरे पास अमाउंट है कि मैं इसे वापस से जो है बैकअप कर पाऊँ। तो ये चीज़ है, प्रॉफिट करो ना करो, लेकिन अपना लॉस रिकवर कर लो,
ठीक है, अगर हम 1 मंथ तक इक्वल पे ही चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम प्रॉफिट कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर हमने अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही लॉस कर दिया है तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना प्रिंसिपल अमाउंट बचाना। तो ये रूल्स आप याद रखें और ट्रेडिंग में एंटर करें तो आपको लॉस कभी नहीं उठाना पड़ेगा। उठाएंगे जहाँ पे उठाएंगे आप लॉस, वहाँ पे आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। प्लानिंग के साथ ट्रेड करें कंप्लीट, प्रॉपर प्लानिंग बनाएं तो आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। देखिए, जहाँ पे हमने लिया था मार्क कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। और जब मार्केट आगे चल के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद सेम पॉइंट पे आएगा तो ये रिवर्सल पॉइंट हो सकता है मार्केट का, ठीक है। उस वक्त और भी चीज़ें डिपेंड करती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कितना वॉलेटाइल है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूज़ होती है जो मार्केट को अफेक्ट करती हैं। तो हम अभी ये मान के चल सकते हैं जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आएगा तो रिवर्स कर सकता है। और ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर VIP ज्वाइन नहीं किया है तो VIP ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको कोई भी जो है फीस नहीं पे करनी है, सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडर ID शेयर करनी है, वेरीफाई होने के बाद डिपॉजिट करना है आपको उसमें। देखिए, ये हमारा मॉर्निंग का सेशन है, ये सारा मॉर्निंग का सेशन है। अभी हम जो है ट्रेड को बंद कर देंगे क्योंकि एक दिन का हमारा जो है टारगेट कंप्लीट हो गया है और इतना टारगेट हमने उठा लिया है, तो ये हमारा प्रॉफिट का टारगेट कंप्लीट हो गया है। अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती तो हम लॉस करके बंद कर देते, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।